कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ सॉलिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, ये बेसिक है, ये आपको आता होगा, बट हम लोग जितना भी एनसीईआरटी में दिया है सारा ही कवर करेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो क्या है, दे हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम। बच्चों मास तो हर किसी का फिक्स ही होता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया फिक्स्ड। अब मास तो हर किसी का होता है फिक्स, तो डेंसिटी भी क्या हो गया बेटा, फिक्स्ड ही हो गया, यानी निश्चित हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। दे हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। दूसरा बच्चों, जो सॉलिड होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है जिससे सॉलिड बना हुआ है, उनके बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी कि कम रहेगी, कम रहेगी। तो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, कम होगा डिस्टेंस, ठीक। और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगता है कि वीक लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है तो हम ये भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ट्वेल्थ का कोर्स वैसे काफ़ी छोटा है इलेवेंथ की तुलना में, तो बहुत आराम आराम से भी करेंगे तो पूरा अच्छे समझ में भी आएगा, बहुत जल्दी करना नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मीन पोजिशन के अलोंग क्या करते हैं, ओसीलेट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ओसीलेट, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं, ओसीलेशन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन कह सकते हैं आप। तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स रिमेन इन एन ओसीलेटरी मोशन, ओसीलेटरी मोशन, ओसीलेटरी मोशन में ये रहते। चार हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ वन। अब सॉलिड को जब आप कंप्रेस करोगे तो ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो या नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, तो ये बेटा इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं, नेचर, ठीक है। क्या ये फ्लो कर सकते हैं क्या, जैसे आपने टेबल पे कोई सॉलिड रख दिया तो वहाँ से कहीं और चले जाएंगे क्या, नहीं, तो यानी फ्लूडिटी नहीं है इनके पास, है ना, नो फ्लूडिटी। अब फ्लूइड किसको बोलते हैं, गैस या लिक्विड को, क्योंकि वो फ्लो करते हैं, तो इसका हमने लिखा नो फ्लूडिटी, ठीक। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप सबको आता भी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो नेक्स्ट लिखेंगे क्लासिफिकेशन, अब यहाँ से मेनली जो है ट्वेल्थ का चैप्टर का मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये सब तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सीपी का मतलब है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक। इसे आप उतारिए, मुझे जगह चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो मैं उधर जगह मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसे तब तक आप उतारो। तो ये हमने देखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरीके से अरेंज्ड है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारे पास आयरन का एक टुकड़ा है, तो उसमें एक आयरन के एटम है कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे, वेरी गुड। अब मैं आपसे बोलता हूँ हमारे पास एक टेफ्लॉन, नाम सुना है क्या,
गैस जो सिलेंडर होता है ना, और वहाँ से जो चूल्हे तक की पाइप आती है रेड कलर की ऑरेंज कलर की, वो टेफलॉन का होता है। अच्छा, स्कूटी तो सब चला के आते हैं, तो उसके ऊपर टेफलॉन की कोटिंग रहती है। क्या रहती है? टेफलॉन की कोटिंग, जिससे कि स्क्रेचेज ना आए, थोड़ा बहुत इधर उधर टकरा जाए किसी दूसरी स्कूटी से। तो या नॉन स्टिक कुकवेयर देखा होगा आपने, ब्लैक वाला जो बर्तन रहता है, उसके ऊपर भी टेफलॉन की क्या रहती है? कोटिंग रहती है। वो हमारा पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीथीन भी क्या है? पॉलीमर है। अच्छा, सुक्रोज का नाम सुना सबने, ये सब भी क्या है? पॉलीमर है। सुक्रोज किससे मिलके बने होते हैं? ग्लूकोज से। थोड़ा बहुत आप सुन लो, आगे तो ऑर्गेनिक में पढ़ना ही है बायो मॉलिक्यूल डिटेल से, कि सुक्रोज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, किससे बना है, और इतना तो बेसिक पता होगा आपको, सही है। स्टार्च किससे बना होता है? ग्लूकोज से। वह भी क्या है? पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। अपना प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ही है, अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से। एंजाइम का नाम सुना, तो एंजाइम इज आल्सो ए टाइप ऑफ प्रोटीन बेटा। एंजाइम भी क्या है? प्रोटीन ही है, तो वह भी एक तरह से क्या है? पॉलीमर है। पक्की बात। नायलॉन का कपड़ा सुना होगा, नायलॉन है ना, नायलॉन भी क्या है? पॉलीमर है। जो क्लॉथ है वो सारे के सारे क्या है? पॉलीमर है। अच्छा, जो हमारा लकड़ी है ना, वुड है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? तो वो भी हमारा ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, सही है। अब इतनी सारी भूमिका क्यों बना रहा हूँ, इतना सारा बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है? क्रिस्टलाइन और हमने आपके सामने बातों बातों में जो उदाहरण कोट किए हैं, उसमें से कुछ एग्जाम्पल तो वैसे है जो एमॉर्फस सॉलिड को लाई करते हैं, कुछ ऐसे है जो क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में फॉल करें। जैसे NaCl, आयरन, ये सब क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन। अब आते हैं कि ये सब होता क्या है, क्यों ऐसा है। तो ये हेडिंग लिख लिया आपने, इसके हिसाब से दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। एक तरफ लिखना है आपको टेबल बनाने, एक तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एक्चुअली कल आपको जो DPP मिला होगा, तो हमें 12th का DPP देना था ना, 11th का तो नहीं देना था, तो आज वाले लेक्चर पे बेस DPP है, ठीक है। कल तो मैंने 11th का बेसिक पढ़ाया था, जिसकी हमें ज़रूरत थी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे कर रहे भैया? ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। मान लीजिए कभी आपने क्रिकेट मैच देखा होगा TV पे लाइव, तो कई बार जो कैमरामैन है बिल्कुल इस जगह पे फोकस करता है कि सभी चेहरे पे ना कुछ कुछ डिजाइन बनाए हुए होते हैं, ठीक है, और आपको दिखे अरे ये तो इंडिया का मैप बना हुआ है, कई बार दिख जाता है कि नहीं, इस तरीके से उनकी सेटिंग रहती है। मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है लाइव, और सभी जगह रजनीकांत का रोबोट बैठा है। क्या बैठा है? रजनीकांत का रोबोट बैठा है। तो सब शक्ल से कैसा दिख रहा है? एक जैसा। कैसा दिख रहा है? लेकिन बीच में कुछ रजनीकांत के बैठने का जो पैटर्न है थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा, तो भीड़ में भी वो पैटर्न थोड़ा अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताओ? दिखेगा, है ना। यानी अरेंजमेंट, हम अगर मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, सपोज आयरन, तो Fe, मतलब आयरन, आयरन एटम के ही तो व्यवस्था से, अरेंजमेंट से ही क्रिएट होगा पूरा सा बड़ा सा क्रिस्टल, सो कॉल्ड लैटिस बोलिए। लेकिन वह किस तरीके से प्रेजेंट है, ऑर्डर उसका क्या है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है उसका, उस हिसाब से हम दो तरीके से सॉलिड को डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? तो अभी कौन सा सॉलिड क्या है, अभी हम आयरन की बात कर रहे हैं कि टेफ्लॉन की बात कर रहे हैं कि सेल्यूलोज की बात कर रहे हैं, अभी इसको साइड में रखते हैं, हम सीधे एक स्फीयर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्फीयर, ठीक है। सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक स्फीयर से ट्रीट कर लेते हैं समझने के लिए, मतलब मैं नहीं, किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है, फिक्स्ड पैटर्न। तो मैं एक पैटर्न बना रहा हूं, ठीक है,
तो आपने देखा कि इसमें दो तरह के स्फीयर मैंने दिखाए हैं, एक तो थोड़ा बड़ा साइज है, एक छोटा साइज, ठीक है। जितने डिस्टेंस पे यहाँ से ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये रखा गया है, जैसे जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे इधर है, इधर एक पीरियोडिसिटी है, एक स्टाइल को फॉलो कर रहा है। उस जैसे जितना डिस्टेंस पे ये है यहाँ से यहाँ उतने ही डिस्टेंस पे समझ लो कि ये है, ठीक है, अंदाज से थोड़ा बनाया है। अच्छा, एक व्यवस्था एमॉर्फस वाली जो हम लेने जा रहे हैं उसमें जैसे तैसे रैंडम वे में, कैसे रैंडम वे में, रैंडम वे में मान लीजिए जैसे आप सभी लोग बाहर थे, क्लास के बाहर थे और आपको लगा कि नहीं 3 बज गया है, सब लोग बाहर मान लीजिए कैंटीन है वहाँ चाय वगैरह पी रहे थे और आपको लगा कि टाइम हो गया है, अभी तो सर बुरा मान जाएंगे, चलते हैं क्लास में बैठने, ठीक है, लेकिन सर थोड़े सीधे साधे हैं, ठीक है, तो आप बहुत आराम से आओगे और अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओगे, लेकिन सर थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं और घंटी बज गई टन 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 टन, आप सब भागे भागे आओगे, आओगे कि नहीं, हो सकता है अव्यवस्था फैल जाए और आप जैसे तैसे बैठ जाओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं, अरे बोलो भाई। तो अगर व्यवस्था जैसे तैसे हो, मैं बीच बीच में ना रियल लाइफ स्टोरी बोल देता हूँ कोई भी चीज़, जिससे कि थोड़ा आपको ज़्यादा समय तक याद रहे, वो हाइपोथेटिकल ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे तैसे अगर व्यवस्था रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस ऐसा होता है कि एकदम रेगुलर अरेंजमेंट हो, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज। इसका क्या मतलब है, थोड़ी दूर व्यवस्था तो ठीक दिख रही है, बाद में मान लो गड़बड़ हो गया, फिर आप उसे नहीं कहोगे ना कि प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से है, यस और नो। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज तक एक खूबसूरत पैटर्न दिखता है, वो कोई भी स्टाइल का हो सकता है, यानी उसे हम बोलेंगे कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें जो है ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है, इत्तफाक से शॉर्ट रेंज तक तो दिखाई दे सकते हैं बट ओवरऑल ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो नहीं होंगे, डन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बनाना बहुत इजी है, आप जैसे तैसे बना दो, जरूरी नहीं है कि सीधे बनाना है, सीधे बनाया एक आध थोड़ा इधर खिसका दो, तो डायग्राम बनाना बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। उस तरह से अगला मान लो यहाँ से आना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा इधर से कर लिया, मतलब आपको क्या करना है, अभी बड़ा वाला स्फीयर बना रहा हूँ, जैसे तैसे कर लेना है, जैसे तैसे कर देना है, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब बीच में छोटा वाला बना लेते हैं, कोई रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करें। अभी आपका जो पेपर है, जिस पेपर पे आप लिख रहे हो, अगर उसकी थिकनेस को हम इग्नोर कर दें, क्या कर दें, थिकनेस को इग्नोर, तो एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कैसा है, 2D है पेपर, कैसा हो गया आपका 2D, क्योंकि ने मैं मोटाई को इग्नोर कर दिया। एक्चुअली ये तो मैं स्फीयर बना रहा हूँ, तो स्फीयर तो क्या है, 3D है, तो ये पहली लेयर है बच्चों, इसके ऊपर दूसरी लेयर भी होगी, तीसरी लेयर भी होगी, चौथी लेयर, बहुत सारे होंगे, लैटिस तो बहुत बड़े होंगे ना, अरे भाइयों समझ में आ रहा है क्या। लेकिन अपनी कॉपी पे उतना लेयर बाई लेयर तो अपन बना नहीं सकते, बुक में भी कई बार ये वाला डायग्राम सिंपल एक ही लेयर तक बनाया हुआ है, बट आपको यहां तो मैं एक्टिंग करके समझा सकता हूं, ठीक है ना, एक्टिंग अच्छा कर लेता हूं। तो पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा, कई तरह के लेयर्स होते हैं, लेकिन जो भी लेयर होंगे वो एक पीरियोडिकली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में इस वाले में रहेंगे, और इस वाले में शॉर्ट रेंज तो हो सकते हैं बट लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं, ठीक। जो भी मैं इसके पॉइंट लिखवाऊंगा, फिगर में ही हर सवाल का जवाब छुपा होगा, इसलिए फिगर पहले तो ड्रॉ कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे, जो भी मैं पॉइंट लिखूंगा ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज इसी से बाहर निकल के आएगा, तो उसे आप नोट करियो, मैं इधर मिटा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया डायग्राम ही, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और इधर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एमॉर्फस सॉलिड, ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इधर हो गया हमारा एमॉर्फस सॉलिड,
दोनों का सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इस केस में आप क्या लिखोगे? इट हैज शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। Of constituent particles. और इधर क्या लिखेंगे? It has only short range order. Of constituent particles. CP का मतलब है constituent particle. ठीक है, आवाज जा रही है पीछे? अब तो ये तो बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट डिफरेंस पे बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है कि एक खास टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। कौन सा? क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है और इसका इनडेफिनिट होता है, बल्कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। पहले तो ये पॉइंट लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका वजह क्या है। ठीक, तो इसमें आप पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, इट हैज कॉन्स्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसकी फिक्स होगी। जैसे आयरन हमारा जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो हम आयरन की मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इतना होगा। लेकिन जो हमारा प्लास्टिक है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं, उसमें रेंज लिखा रहेगा कि इतना से इतना टेम्परेचर के रेंज में वो मेल्ट करेगा। ठीक, वजह अभी बताएंगे, अभी तो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, इट हैज अ कॉन्स्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, और इधर क्या लिखेंगे? इट डज नॉट हैव कॉन्स्टेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसी से कनेक्टेड पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। मैं भी एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगा सारा, क्योंकि पूरा उसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 3D व्यू दिखाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा एक्टिंग करके दिखाऊंगा पूरा 3D, जैसे कल दिव्य दृष्टि दिया था तो वैसे ही। फोर्थ देखिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का नाम सुना है क्या? ये क्या होता है? एक मोल किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से किसमें भेजना है? लिक्विड स्टेट में। उसके लिए जितना हीट हमको चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। इसके एक मोल को पिघलाने के लिए फिक्स्ड वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, लेकिन इसके एक मोल डेटा को पिघलाने के लिए फिक्स्ड वैल्यू नहीं, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ये वाला पॉइंट मैं अभी ही थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने कहा था कि ये लेयर्ड वाइज होंगे। कैसे होंगे बच्चों? लेयर्ड वाइज होंगे, सही है। तो चूंकि जैसे तैसे रैंडम व्यवस्था है इसमें, तो मैं लेयर है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ओके डन। और सपोज यहाँ से मैं एक मोल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक मोल ले लेता हूँ, तो पहले वाले सेक्शन से वन मोल कट किया इधर बीच से कहीं, मतलब कई लेयर है ना, तो मैं इस जगह से एक मोल ले लेता हूँ, राइट। और इधर वाले सेक्शन से तो बहुत विशाल काय है, बहुत विशाल काय है ना, अरे बहुत बड़ा होता है ना लैटिस, तो इस दूसरे एरिया से मैं एक मोल लेता हूँ, इसको भी एक दूसरे कंटेनर में लेता हूँ, उसको दूसरे कंटेनर में लेता हूँ, और इसको पिघलाने की कोशिश करूँगा मैं दोनों को। तो आप पाएंगे कि पहला वाला जो सैंपल था उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल तो वन मोल है, दूसरे वाले सैंपल में भी मैंने वन मोल लिया है, अरे बोलो भाइयों। लेकिन किसी केस में चीजें ज्यादा पास पास हो गई होंगी इत्तफाक से पार्टिकल्स, तो किसी में कुछ ज्यादा दूर होगा, कहीं पास होगा। ये लाइन समझ में आ रहा है क्या? सब में रैंडम ही व्यवस्था है ना, तो रैंडम होने पर इसके वन मोल में एक पार्टिकल के आसपास चार बड़े पार्टिकल है ना, छोटकू के पास चार बड़े, अरे बोलो भाई। किसी केस में जरूरी नहीं है यहां से जब मैंने कट किया था तो झोटकू के पास उसी स्टाइल से चार हो, अलग शेप बन रहा है, चक्री थोड़ा अलग शेप बन रहा है,
अगर ये Na+ है और ये Cl- है, एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, तो यहाँ Na+ से Cl- का जो नेट अट्रैक्शन है और इधर जो नेट अट्रैक्शन है, क्या सेम ही लेवल का है या थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है? डिफर कर सकता है, क्योंकि इसमें तो भैया फिक्स्ड ही है, जैसा ये Na+ एक्सपीरियंस कर रहा है वैसा ही वो और वैसा ही दूसरी लेयर का, वैसा ही तीसरी लेयर का। न्यूटन्स के थर्ड लॉ से जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बरका भी उतना ही करेगा। नहीं समझ में आया? Na+ पे एक यूनिट चार्ज, Cl- पे भी एक यूनिट चार्ज है ना। अगर एक F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा भी तो उसको अपोजिट में कर ही रहा होगा ना। भाई Na+ को Cl- कर रहा है, Cl- को Na+ कर रहा है, बोलो। तो इसमें हर जगह हर पार्टिकल जो है सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अंडर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम जब पिघलाना चाहते हैं तो हर जगह का फोर्स क्या करना चाहते हैं? लूज करना चाहते हैं, ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। तो किसी भी इंट्रैक्शन के फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, चूंकि हर जगह फोर्स का जो स्ट्रेंथ है सेम टाइप का है, सेम लेवल का है, तो हर जगह हमें ब्रेक डाउन करने के लिए सेम हीट चाहिए या डिफरेंट? क्या बात, तो सेम चाहिए, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही चाहिए होगा, बोलो बच्चों। लेकिन जब व्यवस्था जैसे तैसे हो, कहीं तो एक पार्टिकल के आसपास एकदम झुंड सा है, पास बहुत सारा है, कहीं दूर दूर बैठे हुए थे, तो हर जगह पे हिलाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, थोड़ा सा वैरी कर सकता है। तो हम बोलेंगे रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए। यही वजह है कि प्लास्टिक, जो भी पॉलीमर होते हैं दोस्तों, जो भी पॉलीमर, वो एमोर्फस सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो रैंडम वे में होती है। पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो रैंडम वे में होती है। जब रैंडम वे में होती है तो एमोर्फस सॉलिड होगा। इसीलिए प्लास्टिक एक फिक्स तापमान पे नहीं पिघलता है, टेम्परेचर पे। जब हम उसे हीट करते हैं ना तो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगा, फिर जाके पिघलेगा। इसीलिए एमोर्फस सॉलिड, जैसे उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, उसको हम एक शेप से दूसरे शेप में आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, बिना पिघलाए भी मोल्ड कर सकते हैं, शेप दूसरे शेप में ढाल सकते हैं इजीली, क्योंकि तुरंत नहीं पिघलेंगे, रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होंगे, मेल्ट करेंगे। तो बीच में पहले क्या होगा, सॉफ्ट होगा, क्या होगा, soft. तो फिर उसको दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन वाले को डिफरेंट शेप में करना है तो आपको तो 100% पहले तो पिघला दीजिए, और जिस शेप का डालना है उसके सांचे में डाल दीजिए, फिर उसको सॉलिडिफाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है कुछ? क्या मैं आपके लेवल तक उतर के पढ़ा रहा हूँ? अगर समझे, क्या होता है, टीचर का ज्ञान अलग चीज़ है, आपका जो लेवल है मुझे उस लेवल तक उतर के उठाना है, तभी तो समझ में आएगा। तो इसलिए मैं पूरा देसी भी बोलूँगा, नथिंग पर्सनल, घर की बात है। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट में ये आ गया, आप समझ में आ गया कि सर इसका मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा और इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। उतना देखो डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब हम स्टोरी बताते हैं बच्चों को तो ये थियोरेटिकल पॉइंट फिर जीवन भर के लिए याद हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग वही सीन आ जाता है याद कि सर ने ऐसे ऐसे समझाया था। अदरवाइज 5 बार पढ़ो, 5 बार लिखो, फिर रट्टा मारो, फिर वो फंडा चलता है। तो तुम क्या चाहते हो? 5 बार लिखो, 5 बार पढ़ो, 5 बार रट्टो, कि ये चीज चाहते हो आप, सही है ना, एकदम छप जाए दिमाग में। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ये आ गया समझ में आपको? हाँ, तो मुझे वो लिखना था, इट हैज अ डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वैसे ये जो चैप्टर है बच्चों थोड़ा सा 3D जैसा दिख रहा है आपको, बट मैं इसे बहुत आसान बना के पढ़ा रहा हूँ आपको, और 2-3 लेक्चर जो है इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल जैसा ही है, बट थ्योरेटिकल वाला फील ना आए, वहाँ भी मैथमेटिक्स जैसा लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका बायो है उसको समझ में नहीं आएगा, मतलब जो एक्टिंग वैक्टिंग करता है ना उससे समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। इट हैज डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और इसमें आप क्या लिखोगे? इट डज नॉट हैव, या इनडेफिनिट लिख लो, इट हैज इनडेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फोन वैसे साइलेंट रखना या वाइब्रेशन में, नहीं तो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग में सबका फोन ही आ जाएगा कि फोन बज रहा था, है ना बेटा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ तो डांटते भी नहीं, ठीक है।
ओके। अच्छा यहां पे एक पॉइंट और लिख लेना, इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहां तक सबको क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग, ये फोर्थ पॉइंट ही था, हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, दोनों में हम फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेंगे, ठीक है। अगर रेगुलर अरेंजमेंट जब होता है, कैसा अरेंजमेंट? रेगुलर, जब रेगुलर अरेंजमेंट होता है, देखिएगा दोस्तों, जब रेगुलर अरेंजमेंट होता है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ठीक है बेटा, जब आप इसको शार्प एज टूल से कट करेंगे, यानी चाकू से कट करेंगे, सीधी बात ये है, ठीक है जी। तो बढ़िया इंग्लिश से क्या जरूरत है, देसी में क्या बोलेंगे, चाकू से काटेंगे, तो पहला लेयर जैसा है वैसा ही दूसरा लेयर होगा, तीसरा लेयर होगा। जब शार्प एज टूल से बेटा कट करोगे तो चाकू यहाँ से चलाए होगे चाहे यहाँ से चलाए होगे, है ना। तो ये वाला जो होता है सॉलिड, उसको मान लो मैंने ऐसे कट किया, तो कट करने के बाद जो होता है बिल्कुल स्मूथ टुकड़े दिखते हैं, स्मूथ जैसा लेयर हमको दिखाई देता है, एकदम चिकना दिखाई देगा, क्लीन सरफेस दिखाई देगा, रेगुलर सरफेस दिखाई देगा, ऊबर खाबर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन उस वाले में जब काटेंगे तो क्या आप एटम को ही काट देंगे क्या? एटम तो नहीं कट सकता ना, एटम थोड़ी ना कट सकता है, कटता है कहां से? जहां गैप होता है, जहां तो ऐसे वाले जो होंगे वो तो जैसे तैसे अरेंज्ड हैं, कैसे हैं? जैसे तैसे। तो जब इनको कट करेंगे इस टाइप वाले को, तो कट करेंगे तो ये जो सरफेस प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह का सरफेस आपको प्रोड्यूस करेंगे, यानी एमोर्फस वाला जो है इरेगुलर कट देता है और क्रिस्टलाइन वाला रेगुलर कट देता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। जो रेगुलर कट देगा उसको हम बोलेंगे कि इट शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी, जो इरेगुलर देता है उसको हम बोलते हैं डज नॉट शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी। या अच्छे से इलेबरेट करके लिखना चाहते हैं तो आफ्टर कटिंग थ्रू द शार्प एज टूल इट प्रोड्यूसेस रेगुलर सर्फेस एंड इट प्रोड्यूसेस इरेगुलर सर्फेस बिकॉज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज रैंडम इरेगुलर, ठीक है ना। तो ये डायग्राम अपन किस वाले में ड्रॉ करेंगे? क्रिस्टलाइन वाले में। ये किस वाले में ड्रॉ करेंगे? एमोर्फस वाले में, सही है। बट सेंटेंस लिखने के बाद ड्रॉ करना है, इट प्रोड्यूसेस रेगुलर सरफेस आफ्टर कटिंग थ्रू शार्प एज टूल, और इधर लिखेंगे इट प्रोड्यूसेस इरेगुलर सरफेस ऑन कट। इतना काफी है, समझ जाओगे आप, ठीक है ना। काटेंगे किससे? चाकू से ना काटेंगे जी, तो आगे की बात तो अंडरस्टूड है। और इसके नीचे वो वाला डायग्राम आपको बना लेना है, यहां मैं डायग्राम भी बना ही देता हूं। चलो ये समझ लो, ये चाकू दिखा दिया जो कट कर रहे हैं, तो रेगुलर सरफेस प्रोड्यूस किया, और इस वाले में जो रेगुलर देगा ना उसको ऐसा बोलते हैं कि शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी। जनरली हम लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसा सॉलिड आप चाहते हो, मतलब किसी भी यूज के पर्पस से, जो घर में भी यूज होता है। अरे जो कारपेंटर होते हैं वो टेबल चेयर भी बनाते हैं तो बाद में उस पर रांदा मार देते हैं, चिकना कर देते हैं कि नहीं? अरे बोलो भाइयों, अगर टेबल पे ग्लास भी रखी जाती है तो ग्लास का कॉस्ट ही वो लेते हैं या बाद में उसको बढ़िया स्मूथ करने का एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं वो?
हाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं, हमने ऑफिस में लगवाया है सही है ना, क्योंकि वो जब कट करते हैं तो ग्लास जो हमारा है एमॉर्फस सॉलिड है, क्या है तो ग्लास के कई बार कांच के टुकड़े आपने देखे होंगे तो साइड में उबर खावर दिखता है कि नहीं, कि स्मूथ दिखता है उबर खावर, तभी तो उसको टच भी करने से आदमी डरता है कट ना जाए हाथ मेरा, है ना। तो ग्लास हमारा क्या है एमॉर्फस, हालांकि एक दूसरा ग्लास होता है क्वार्टज ग्लास, जब क्वार्टज लिख दिया, क्वार्टज लिख दिया और एक ग्लास अगर शब्द आ गया ना तो समझ लो एमॉर्फस है, क्या है जस्ट क्वार्टज लिख दे तो समझ लो क्रिस्टलाइन, वो मैं आगे एग्जांपल में कोट करके लिखूंगा, याद करेंगे कि एग्जांपल हम कैसे याद रखेंगे उसका भी टेक्निक बताएंगे, तो कंसेप्ट समझ रहे हैं, थ्योरेटिकल हो जाता है कि बोर्ड में थ्योरेटिकल भी आता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है, अब तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है सेक्शन ए में, मतलब बोर्ड का भी पैटर्न तो ऐसे कर दिया जैसे कॉम्पिटिशन जैसा है, सब्जेक्टिव आ रहा ऑब्जेक्टिव आ रहा सब एकदम, बच्चों की तो बैंड बजा रखी है। सो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब है कि रेगुलर सरफेस देगा, इसलिए उसको बोला जाएगा क्लीवेज प्रॉपर्टी। जो इरेगुलर क्यों हमने बोला, क्योंकि आप अंततः अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है भी, सब्सटेंस है भी, तो बाद में आप अलग से उस पर चिकना करोगे, तो ये रेडीमेड चिकना मिल गया था, अच्छी बात है ना, तो इसलिए बोलेंगे शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी, यहाँ बोला जाता है डज नॉट शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी। यहां तक आ गए सबको समझ में, देखिए एक जो परफेक्ट सॉलिड है, परफेक्ट सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही परफेक्ट सॉलिड है, इसे हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रू सॉलिड, और इसे स्यूडो सॉलिड बोलते हैं चाहे सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो पहले तो मैं लिखा रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करेंगे, कितने पॉइंट हो गए थे अपना 5, छठा पॉइंट में लिखेंगे क्रिस्टलाइन की तरफ, इट इज अ ट्रू सॉलिड, फिजिक्स में ऐसा सुना होगा स्यूडो फोर्स, क्या ये रियल फोर्स होता है, रियल फोर्स नहीं होता है स्यूडो फोर्स, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा एक हमें स्यूडो फोर्स समझने के लिए उसको लगाना पड़ता है ना, मतलब रियल फोर्स तो नहीं होता है, तो वैसे ही स्यूडो का मतलब है नकली, क्या है नकली सॉलिड है ये, याद रखने के लिए सब कहानी समझा रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा, ये ट्रू सॉलिड, ये नकली सॉलिड, और इसका दूसरा नाम क्या है सुपर कूल्ड लिक्विड, वाई ऐसा नाम क्यों है बेटा, उसका वजह क्या है, इसमें व्यवस्था जैसे तैसे है ना, अब डायग्राम पे आ जाते हैं जरा, व्यवस्था जैसे तैसे है या रेगुलर है, अच्छा इसमें रेगुलर है या जैसे तैसे, वेरी गुड, गैस में अगर हमने गैस पार्टिकल रखे है, गैस ले रखा है किसी सब्सटेंस का गैसीय स्टेट, तो उसमें पार्टिकल की व्यवस्था जैसे तैसे है या रेगुलर है, रैंडम मोशन, वेरी गुड, उसके बाद उसी को हमने लिक्विफाई कर दिया, अभी व्यवस्था रैंडम है या रेगुलर है, लिक्विड में रैंडम है या ऑर्डर्ड है, रैंडम है, बहुत अच्छे, रैंडम होता है जैसे तैसे होते रहता है ना, रैंडम होता है, ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उस लिक्विड को मैंने बोला स्टैचू, क्या बोला statue. कभी स्कूल में खेला है स्टैचू, ये गेम होता है, बच्चे आपस में स्टैचू लगाते हैं, स्टैचू तो एकदम वैसे ही रहता है, हिला तो बजा देता है ऐसा होता है ना गेम, तो वैसे ही मान लीजिए कोई सब्सटेंस है लिक्विड बच्चों, तो उसमें व्यवस्था कैसी है, जैसे तैसे, मैंने कर दिया स्टैचू, कैसे करा होगा स्टैचू, क्या वो मेरी बात सुन लेगा, नहीं, सडनली मैंने बहुत सारा हीट रिमूव कर दिया और बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, यानी मैंने उसे बाध्य कर दिया कि सॉलिड में चला जा भाई,
तो अचानक से फ्रीज हो गया है कि नहीं, जो जहां था वहीं फ्रीज हो गया है कि नहीं, तो ये नकली सॉलिड बन गया है कि नहीं। लेकिन अगर मैं स्लोली स्लोली हीट रिमूव करता, धीरे 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 प्रेशर लगाता, तो बहुत व्यवस्थित तरीके से वो अरेंज होके ऑटोमेटिकली ही सेटल होते, क्योंकि स्टेबिलिटी से किसे प्यार नहीं, कौन स्टेबिलिटी नहीं चाहता है, सब चाहता है। नहीं समझ में आया, बोलो भैया, जैसे तैसे बैठना चाहते हो, अच्छे से बैठना चाहते हो आप। तो जब हम स्लोली स्लोली हीट रिमूव करेंगे, बहुत स्लोली स्लोली, और प्रेशर भी स्लोली स्लोली लगाएंगे, ठीक, तभी परफेक्ट क्रिस्टल का निर्माण हो सकता है। सच कहूं तो 100% परफेक्ट क्रिस्टल दुनिया में है ही नहीं, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट होता है, जैसे गैसीय स्टेट में आइडियल गैस और रियल गैस, सही है ना, उसी तरह से 100% परफेक्ट क्रिस्टल कोई सा भी नहीं होता है। इसी चैप्टर में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट क्रिस्टल कोई भी नहीं होता है। लेकिन लेकिन हाइपोथेटिकली परफेक्ट क्रिस्टल बनाया जा सकता है, कब, जब हम 0 केल्विन पे सॉलिडिफिकेशन करते हैं। कितने केल्विन पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोला सर ने, 0 केल्विन बोला, केल्विन है, इसलिए मैं पूरा बढ़िया से कान साफ कर ले रहा, क्योंकि एग्जाम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन में लिखा है, बच्चा वही लिख के आ गया, सर आपने तो वही बताया था, अरे भैया डिग्री सेंटीग्रेड बोला था, केल्विन बोला था। 0 केल्विन पे किसी भी मॉलिक्यूल की कितनी होगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जीरो, क्या होती है, जीरो, चूंकि 0 केल्विन पे हर प्रकाश प्रकार की मोशन ही जीरो हो गई, तो हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर लिक्विड में है और हमने टेम्परेचर 0 केल्विन करा और 0 केल्विन पे हम सॉलिडिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो किसी का स्पीड ज्यादा कम नहीं है, सबका स्पीड जीरो ही हो गया, तो वो एकदम नॉर्मल वे में सॉलिडिफिकेशन होंगे, जहां उनको होना चाहिए वहीं होंगे, परफेक्ट क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। ऐसे 11th में एक चीज पढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कहता है कि एट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 केल्विन, एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस का जीरो हो जाता है, कब, 0 केल्विन पर, क्योंकि हर प्रकार की मोशन जीरो हो जाती है, एक मोशन जीरो नहीं होती इलेक्ट्रॉन का, किसका, वो तो डांस करते रहता है लेकिन पार्टिकल का मोशन क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। तो यहां से एक सीख मिला हमको कि भैया परफेक्ट क्रिस्टल तो कब होता है, मतलब 100% ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बनाए जाते हैं, 0 केल्विन पे स्लोली स्लोली सॉलिडिफिकेशन करके, नंबर एक। नंबर टू, ये सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों है, क्योंकि जिस तरह से लिक्विड में व्यवस्थाएं जैसे तैसे होती हैं, इसमें भी व्यवस्थाएं क्या है, जैसी तैसी। लेकिन सर फिर भी इसमें लिक्विड जो शब्द लगा है ना, लिक्विड, इससे मुझे ऐतराज है तो आखिर सॉलिड, इसको लिख देता सुपर कूल्ड सॉलिड, क्या लिख देता, सुपर कूल्ड सॉलिड, है ना। देखो क्या होता है, कभी आपने जो प्राचीन समय के, मतलब एंशियंट समय के कोई बिल्डिंग है, मतलब अगर आप ताजमहल चले जाएं या कोई ऐसे बड़े ऐसे पुराने जगहों पे चले जाएं, तो जो उनमें विंडो में शीशे लगे होते हैं ना, खिड़की में जो शीशे लगे होते हैं, वो नीचे से ना मोटे दिखाई देते हैं, बॉटम से थिक हो जाते हैं, ऊपर थोड़े पतले रहते हैं। ग्लास सर ने क्या बोला था, एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन, एमोर्फस बोला था। तो विंडो में जो शीशा लगा है वो कैसा है, एमोर्फस, अच्छा लगाए तो थे एक जैसे, चारों तरफ मोटाई बराबर वाले लगाए थे। आप मार्केट से वैसे शीशे क्यों खरीदोगे कि ऊपर से पतला नीचे से मोटा, बराबर लिखोगे ना, लगाए थे तो ठीक, लेकिन 100 साल बाद 150 साल बाद नीचे से हो गए मोटे, इसका मतलब ऊपर की चीज नीचे फ्लो करके आ गई, जिस तरह से लिक्विड जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो गया, ये भी नकली सॉलिड है, झूठ मूठ का हमको बता रहा है कि मैं सॉलिड हूँ, ये भी फ्लो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, बहुत स्लो रेट से ही लेकिन कर रहा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसके में नाम ऐसे लिक्विड जैसा लगा देते हैं कि थोड़ी बहुत फ्लूडिटी इसमें है, बट इतना भी नहीं है कि वी शुड से दिस इज अ फ्लूइड। इसलिए शुरू में हमने जब लिखा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, तो हम जनरल कमेंट की बात करे थे, जैसे आज हमारे यहाँ एटमोस क्लासेस में जो भी बच्चे आए हैं, अच्छे बच्चे आए, हो सकते एक आध बदमाश है, बट हम जनरल बात क्या बोलेंगे, आवर ऑल एटमोसोनियन आर वेरी गुड गाय, है ना, क्या वेरी गुड स्टूडेंट, है ना जी, ऐसे तो नहीं बोलेंगे एक बच्चे को लेके हम उसकी बात को तो लेके तो बुरा मानेंगे।
सो जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है जब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो क्योंकि उस पर भी आप सवाल उठा सकते हो, सर वहाँ तो लिखा था ये नो फ्लो ड्यूटी है ना, अभी यहाँ तो बोल दिए फ्लो ड्यूटी, अरे बोलो भैया कल को झगड़ा कर सकते हैं ना आप। तो इसलिए कैसे लिटरेचर रहता है, बुक्स कैसे लिखे जाते हैं, एग्जाम में क्या बोला जाता है, वो चीज़ समझोगे धीरे धीरे, अब तो एज भी बड़ा हो रहा है, कि क्या स्टेटमेंट लिटरेचर में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है, इट इज ट्रू सॉलिड, इट इज सीडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, थोड़ा बहुत इसके अंदर फ्लोइंग टेंडेंसी होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, सेवेंथ पॉइंट आज मैं टाइम पे छोड़ूंगा, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली, चाहे बीच में पॉइंट अटक कहे ना जाए, नहीं तो आप इस वक्त तो लेट से छोड़ देंगे। सेवेंथ पॉइंट ये है बच्चों, मान लीजिए आपके पास, अभी ध्यान समझना, इस शेप का मैंने आयरन का क्रिस्टल दिया है टुकड़ा, देखते हैं कौन बच्चा है दिमाग लगाता है, जीनियस। ये डिफरेंट शेप को, ऐसे वैसे शेप का एक आयरन का टुकड़ा लिया, मैंने बोला बेटा अभी के अभी तुम जो चीज मांगो मैं दूंगा, इसकी डेंसिटी बता मुझे। तो कहे सर मास तो मैं तराजू से तोल लूंगा, हम कि ठीक, अब डेंसिटी कैसे निकालेगा, सर मास में वॉल्यूम से भाग दे दूंगा, हम कि ठीक वॉल्यूम निकाल इसका, कहेगा सर ऐसे ऐसे इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्फीयर होता 4/3 π r³ कर लेता, क्यूब होता तो साइड रहता तो साइड का पावर 3 कर देता, a³ कर लेता, सर सिलेंडर होता तो π r² h कर लेता, कुछ समझ में नहीं आया सर वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ दिस zigzag टाइप वाला क्रिस्टल, मास तो हम ले सकते हैं वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखिए कोई बच्चा कहे सर बोयंसी फोर्स एक होता है, बोयंसी फोर्स होता है सुना है क्या, कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वाटर को के वॉल्यूम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एक दूसरा सर एक और, जैसे सर आपका सेम जैसे तैसे है, रेगुलर तो है नहीं, तो आपका कुछ तो वॉल्यूम होगा सर x लीटर। सर यहां से यहां जब आओगे ना आप तो x लीटर हवा जो है आपके लिए स्थान छोड़ देगा, कहेगा आइए जीके सिंह आए हैं, वो हवा दूर चला जाएगा ना, कहीं और चला जाएगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय मी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जीके सिंह। अरे बोलो भाई, जितना वॉल्यूम हट गया उतना ही तो मेरा वॉल्यूम है, लेकिन ये निकालना तो बड़ा भारी काम है ना, हम कि नहीं अभी का अभी निकाल के दिखा, तो ये सब तो हाई फाई मेथड हो गया, देसी तरीके से दिखा। देखिए स्मार्ट बच्चा क्या करेगा वो बताता हूँ आपको, कि सर ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैसा है, क्योंकि आपने कहा था आयरन, क्या कहा था, तो कौन सा सॉलिड है, तो सर इसके इस छोटे टुकड़े की जो डेंसिटी होगी बड़े टुकड़े की वही डेंसिटी होगी, कि इतना आयरन इतना आयरन इतना आयरन इतना आयरन, सबकी डेंसिटी अलग होगी कि सेम होगी, सेम। तो सर मैं क्या करूंगा, इसमें से एक क्यूब कट कर लूंगा, क्या कट कर लूंगा, क्यूब, उतने ही का मास तोल लूंगा, उतने ही का वॉल्यूम निकाल लूंगा, जो उसकी डेंसिटी वैसे वैसे दो क्यूब की भी वही डेंसिटी, तीन की भी वही, पूरे लैटिस की भी वही। आप गूगल पे सर्च करेंगे डेंसिटी ऑफ आयरन तो उसमें थोड़ी पूछेगा शेप क्या है, सीधे आ जाएगा इतनी। इसका मतलब किसी भी शेप की डेंसिटी क्या होगी, फिक्स। लेकिन व्हेन यू बाय प्लास्टिक दे विल आस्क फ्रॉम यू किस डेंसिटी वाला चाहिए, अरे बोलो बेटा किस डेंसिटी वाला चाहिए, समझ में आया कुछ, क्योंकि वो एमोरफस है, ऑफलाइन का मजा ही अलग है ना, ये जो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ ना, जब बच्चे नहीं बैठे तो अकेले अकेले कमरे में कैसे डांस कर सकते हैं, ऐसे तो मैं डांस भी कर सकता हूँ। बच्चे हंस लेते हैं, फीस वसूल हो जाता है, डांसिंग का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा ना। सेवेंथ लिखिएगा यहाँ, सेवेंथ पॉइंट क्या रहेगा, क्या लिख कहना चाह रहे थे हम अभी, नहीं डेंसिटी तो कहना चाहते, देखो अब मैं दूसरी बात पे आ रहा था, हाँ इस बात पे आ रहा था, इसमें पहला लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर, जब हम इसमें एक कट करेंगे, आप क्या ऐसा कह सकते हो सर ये वाली चीज बार बार रिपीट हो रही होगी, यानी इसमें एक छोटी सी यूनिट मैंने ली और इसी यूनिट को एक्स एक्सिस में रिपीट कर दी, इसी यूनिट को नीचे रिपीट कर दी, इसी को और नीचे रिपीट कर दी, फिर इसी को इसके ऊपर वाली लेयर में रख दी, पूरा विशाल काय लैटिस बन जाएगा, यस सर नो, यानी इसमें जो छोटी चीज बार बार रिपीट हो रही है उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
कभी आपने ईंट बनाने वाला जो चिमनी भट्टा होता है उसको अगर कभी कभार देखा हो आते जाते कहीं दिल्ली जाने के रास्ते में या कहीं भी जाने के रास्ते में, तो वहां जो मजदूर होते हैं ना ईंट के ही घर बना लेते हैं। क्योंकि वो बेचारे जनरली आदिवासी होते हैं, वो बना लेते हैं, पता चला कि आज यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है तो चले जाएंगे। ईंट थोड़ी, ईंट तो उन्हीं का है ना, जिनका फैक्ट्री उन्हीं का ईंट है, अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे चल देंगे। तो ईंट को ही बढ़िया से अरेंज करके ईंट का घर बना लेते, कभी नहीं देखा क्या? तो सर कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, जब ना देखा हो तो समझ लो कि सर कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। भाई जीवन में आगे बढ़ना है ऐसा नहीं, वहीं पेंच नहीं अटकाना है, जब सर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, यही चीज बार बार रिपीट करके पूरा इंटायर लैटिस जनरेट कर सकते हैं, वैसी छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट करने से पूरी इंटायर लैटिस का निर्माण कर देता है। तो छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? ओके, आगे पढ़ेंगे, आगे की टॉपिक है, लेकिन इतना तो तय है कि यूनिट सेल जो हमने लिया इसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स होगी। मैं 3D में बात करूं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी फिक्स होगी। जब आप मैं 2D में बात करते हो, 2D में बात करते हो बच्चों, अगर मैं 2D में बात करना चाहता हूं तो क्या क्या गारंटी है कि स्क्वायर है? इसको बोलने के लिए कि स्क्वायर है हमें तीन चीजें बतानी होगी कि A बराबर B और बीच की एंगल जो है, बीच की जो एंगल है 90 डिग्री। 2D में किसी भी ज्योमेट्री को 100% एक्यूरेसी के साथ डिफाइंड करने के लिए तीन पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ आपने इतना ही लिखा तो रोम्बस में भी होता है ए बराबर बी, रेक्टेंगल में तो सामने सामने बराबर होता है ना, और इधर इधर बराबर होता है, क्यों जी? अरे बोलो भाइयों, एंगल भी बताना होगा कि नहीं? और वही जब यूनिट सेल 3D होता है तो तीन साइड्स बताने होते हैं, ए बी और सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और साथ में हर दो साइड के बीच की एंगल। जैसे ये मेरा फ्लोर है, ये मेरा फ्लोर है, तो एक हमारा एक्स एक्सिस इधर हो गया, वाई एक्सिस इधर हो गया, जेड एक्सिस इधर हो गया, हो गया कि नहीं? तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है बतानी होगी कि नहीं? ऐसे कैसे पता चल जाएगा जीके का क्लासरूम कितना बड़ा है? उसके बाद ये एंगल बताना होगा कि नहीं, फिर ये एंगल बताना होगा कि नहीं। पूरा 3D है इसलिए क्लास में कई बार आएगा 3D जैसा, मैं पूरा आपका विजन ही एकदम चेंज कर दूंगा, एकदम पढ़ने का स्टाइल ही बदल जाएगा, क्योंकि ये 3D है। जरूरत पड़ेगा तो मैं 3D के प्रोजेक्टर से फिगर भी दिखाऊंगा, जरूरत पड़ा तो। वैसे मैं इतनी एक्टिंग कर दूंगा कि तुम्हें यही दिखने लगेगा सब। ये समझ में आया? तो हम ये कहना चाहते थे कि इसमें जो यूनिट सेल होता है या इवन बड़ा सा लैटिस होता है, क्योंकि ये रेगुलर कट देता है कि इरेगुलर? वेरी गुड, अगर रेगुलर कट देता है तो इसकी एज लेंथ फिक्स होगी, मतलब साइड लेंथ फिक्स्ड होगी, उनके बीच की एंगल भी फिक्स्ड होगी। इस केस में इरेगुलर है बच्चों, तो कहीं तो ऐसा दिख रहा है और कहीं ये वाली देखिए कुछ अलग ही दिख रहा है, दिख रहा है एग्जैक्टली सेम तो नहीं ही दिखेगा। तो इसका मतलब हुआ इसमें साइड लेंथ यानी एज लेंथ और दो एज के बीच की एंगल फिक्स्ड नहीं होगी, इस केस में फिक्स्ड होगी, यानी ये इनकी ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड, दे हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री। अच्छा, एक तरीका होता है कि बुक्स में ऐसी लिखा होता है ये सब लाइन, अब मैं धर 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 लिख दूं टॉपिक कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक, ये तरीका सही है? मैं जो ऐसे से पूरा समझा रहा हूं ज्यादा अच्छा लग रहा है? ये बढ़िया लग रहा, ठीक है। दे डोंट हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री, यहां फिक्स ज्योमेट्री का मतलब है बच्चों एज लेंथ क्या होता है, सेम नहीं बोलेंगे, फिक्स्ड। सेम कब होगा? जब मैंने 3D लिया, क्यूब लिया, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहेगा? सेम। वो तो डिपेंड करेगा कि जो यूनिट से लो किस तरह का है, किस तरह का है। क्या 2D में सिर्फ हमारे पास स्क्वायर ही हुआ करता है क्या? और क्या क्या होता है? रेक्टेंगल, और क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल, और क्या होता है? ट्रायंगल भी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कुछ क्या होता है ना 2D, उसी को जोड़ जोड़ के बना देंगे ना तो पेंटागन भी बन जाएगा, उसी को जोड़ देंगे तो हेक्सागन भी बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 ले और उससे क्या बन जाएगा? हेक्सागन बनेगा कि नहीं बनेगा? कौन ये बात जानता है? जो बात जानता है हाथ खड़े करो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरी, तीसरी, चौथी, टोटल 6 हुआ क्या? 6 हुआ क्या?
तो एक ही यूनिट सेल काउंट कर लेता हूँ ना, मैं इस पूरे को यूनिट सेल बोलूँ या छोटू को बोलूँ? छोटू को। यूनिट सेल वो होता है जो सबसे छोटा होता है, जिसको बार बार रिपीट करने से वो विशाल काय लैटिस बन जाए। आपके मकान में, घर में मकान, दो दो ईंट करके मिस्त्री जोड़े तब भी मकान बन जाएगा, एक एक करके जोड़े जब भी बन जाएगा। यूनिट सेल क्या है? दो ईंट की एक ईंट। समझ में आ गया पॉइंट? ना समझे खाली बोल दो, अगले ही लाइन में एकदम देसी एग्जांपल रहेगा। दे डोंट हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री, या एज लेंथ फिक्स्ड और इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल, एंगल भी फिक्स होता है, इज फिक्स्ड, यहां फिक्स नहीं रहेगा। इंटरफेशियल का मतलब क्या है? दो चेहरे के बीच, यानी दो फेस के बीच, यानी ये दीवार और इस दीवार के बीच, वो छत और इस छत के दीवार के बीच एंगल क्या होगा? फिक्स्ड होगा। सही है। अभी अगर मैं आपके कॉपी की बात कर लेता हूं, आपके कॉपी की क्या लगता है आपको, इसका फ्रंट पे फ्रंट कवर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? रेक्टेंगल है। अगर इसका एज थोड़ा सा कर्व होगा ना, कर्व होगा, है ना, मैं थोड़ा सा मान लेता हूं कि एग्जैक्टली स्मूथ है, लाइन सीधी लाइन है। अरे यहां पे थोड़ा सा कर्व हो ही जाता है ना जब फोल्ड करते हैं तो, बाइंडिंग करते हैं तो, है ना। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, लंबाई और चौड़ाई क्या सेम है, अलग है? अलग दिख रहा है ना, ये तो ज्यादा लंबा दिख रहा है भाई, ये तो छोटा दिख रहा है, रेक्टेंगल है। और ऊंचाई अलग है ना। तो आपका नोटबुक जो है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक शेप का है। किस शेप का है? योर नोटबुक इज व्हाट? ऑर्थोरोम्बिक। माचिस का डब्बा देखा क्या? लंबाई सोचो, चौड़ाई सोचो, सेम रहता है, अलग रहता है? अलग रहता है। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर करके मैंने एटमोस क्लासेस की माचिस की डिबिया बनवाई है कि लंबाई चौड़ाई सेम है तो अलग बात है, बट मार्केट में जो मिलता है वो कैसा रहता है? लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, वो भी ऑर्थोरोम्बिक है ना। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रह रहा है, आइसोट्रॉपिक नेचर, एनिसोट्रॉपिक सबसे ज्यादा आता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो आज इतना ही।